देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 10 मोती डाल लिए हैं आपको डिज़ाइन बताने के लिए। आप बड़ा डिज़ाइन बनाएंगे तो आप ज़्यादा मोती डाल सकती हैं। और मैंने देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इसमें 24 चैन ले ली है। अब आपने क्या करना है, देखिए फर्स्ट रो जो बुनेंगे तो देखिए 1 2 3 4, यानी आपने 4 वाली चैन में एक बड़ा सा इस तरह से फंदा बनाना है। 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं 20 फंदे बनाऊंगी, और तो मैं 20 फंदे बनाकर आपको बताती हूँ कि सेकंड रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से देखिए मैंने बड़े फंदे बना लिए हैं, हर चैन में 20 फंदे बन गए हैं। और अब देखिए यहीं से सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। तो 20 फंदे के बाद आपने देखिए इस चैन में 1 2 3 4 चार चैन बुनेंगे। और चार चैन बुनने के बाद आपने देखिए इस तरह से आपने 6 फंदों में से इसको निकालना है। देखिए 1 2 3 4 5, और एक ये 6 फंदों में से आपने इसको निकाल लिया। फिर आपने देखिए एक मोती को इसके पास लेकर आना है इस तरह, और फिर आपने यहाँ सिंगल क्रोशे से इसको यहाँ फिक्स करना है। देखिए इस तरह से, फिर आपने देखिए बीच में 1 2 3 4, और 4 के बाद ये 5। तो फिर आपने 5 चैन बुननी है। फिर 5 चैन बुनने के बाद आपने देखिए इन 5 चैन को आपने फिर से 6 2 4 और एक ये 6, इन 6 फंदों में से आपने इसको पास करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से, फिर आपने एक मोती लेकर आना है, और फिर आपने सिंगल क्रोशे से इसको यहीं फिक्स कर देना है। इस तरह से ये लॉक हो जाएगा। फिर आपने 5 चैन बुननी है, 1 2 3 5 5 चैन बुनेंगे। और 5 चैन बुनने के बाद आपने देखिए इसको 6 में से इस तरह से पास करना है। फिर आपने एक मोती लेना है फ्रेंड्स इस तरह, और इसे यहाँ पर सिंगल क्रोशे से लॉक करना है। फिर आपने देखिए 1 2 3, और 3 के बाद आपने इस तरह से करना है। देखिए इस तरह से हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड रो बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, अब देखिए हमने यहाँ फिर से हमने देखिए सिंगल क्रोशे से फंदे बनाने हैं। तो देखिए 1 2 3, और एक ये चैन लगा के 4। फिर आपने देखिए यहाँ 1 2 3 4, पांच, और ये 6। तो देखिए यहाँ पे 4 और बीच में 6 फंदे आएंगे, और यहाँ भी आपके 6 फंदे ही आएंगे। 1 2 2 के बाद 3 4 5, और फिर इसके बाद यहाँ आपके 4 आएंगे। 1 2 3 फ्रेंड, इस तरह से मैंने फिर से देखिए इसमें 20 फंदे बना लिए हैं। देखिए 4 इधर, 6 इधर, 6 इधर और 4 इधर, तो ये मिलाकर 20 हो गए हैं। फिर देखिए आपने क्या करना है, फिर आपने देखिए हर फंदे में से इसको आपने इस तरह से
निकालना है। इस तरह से देखिए, फिर क्या करेंगे आप, फिर देखिए 1 2 3, फिर आप ये देखिए, देखिए 3 चैन बुन ली। फिर आपने देखिए यहाँ से 1 बड़ा फंदा 2 3 और 1 चैन मिला के 4 हो गए हैं। फिर आपने देखिए यहाँ यहाँ 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर आपने यहाँ भी 6 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 4 बनाएंगे, 1 किनारे पे 2 3 और ये 4। इस तरह से हमारे फिर से 20 फंदे बन गए हैं फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है, देखिए इधर पहले आपने 1 2 2 के बाद 3 4, 4 चैन बुनेंगे। फिर आपने क्या करना है, देखिए 6 में से 2 4 6, यानी कि आपने इस तरह से 6 फंदे में से आपने फ्रेंड्स इसको पास करना है, इस तरह से 2, देखिए 2 4 6, 6 फंदे में से पास कर लिया। फिर आपने एक मोती इस तरह से लेकर आना है, इसे यहाँ लॉक करना है सिंगल क्रोशिए से, इस तरह से। फिर आपने 1 2 3 4 5, 5 चैन बुन ली। फिर आपने देखिए इस तरह से 6 में से आपने 6 में से 3 और ये 3 6, इस तरह से। फिर आपने इसको यहाँ लाना है, सिंगल क्रोशिए से लॉक करना है। फिर आपने बीच में 5 चैन बुननी है, 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर आपने इसमें से 6 में से आपने इसको पास करना है, इस तरह से। एक मोती लेकर आइए और इसे सिंगल क्रोशिए से लॉक कर दीजिए, ये फिक्स हो गया यहाँ। फिर आपने 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे और फिर इस तरह से। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है। बस फ्रेंड्स, आपने इसे रिपीट करना है और आपका डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। Thanks for watching.